हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई एम बशारत शफी, सेकंड ईयर एमबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा। तो जी गाइज, आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और स्पेशल होने जा रहा है, क्योंकि हमारे कुछ दिनों के अंदर सेकंड प्रॉफ के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसके लिए मैं प्रिपेयर करूंगा। उसके साथ साथ मुझे काफी ज्यादा एक्टिविटीज करनी है, जैसे कॉलेज जाना है, क्लासेस लगानी है, पढ़ना है और भी बहुत सारी चीजें करनी है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और आपको काफी ज्यादा मजा आएगा इसको देखने के बाद। तो चले हम इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइज, स्वागत है आप सभी का एक नए फ्रेश कवर के ब्लॉग के अंदर। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि मैं वापस से घर से आ गया हूँ। जी, हॉस्टल जो हमारी लाइफ है वो थोड़ी बहुत फिर से ट्रैक पे आनी स्टार्ट हो गई है। तो अभी नियरली 8:30 बज चुके हैं और मैं उठ चुका हूँ। 29th से हमारे जो एग्जाम है, फर्स्ट टर्मिनल सेकंड ब्लॉक का, वो स्टार्ट हो रहा है। तो इसके लिए प्रिपरेशन करनी है, हमारे पास नियरली 5 दिन बचे हैं। अच्छी तरीके से पढ़ना है, अच्छी तरीके से मेहनत करनी है, तब जाके पास हो जाएंगे फर्स्ट टर्मिनल में। वैसे उतनी बड़ी कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ईयर के अंदर काफ़ी ज़्यादा एग्जाम दिए हैं, तो उतना ज़्यादा डर वर नहीं है बिल्कुल भी। तो अभी मैं जल्दी से काम कर लेता हूँ, ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो जी गाइस, यहाँ पे ब्रेकफास्ट आ चुका है और ब्रेकफास्ट में जो बना है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक तो है आलू की सब्जी, दूसरी है चाय और तीसरी है यहाँ पे रोटी। तो इसको हम जल्दी से ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं कैसे टेस्ट इसका रहता है। 20 दिन के बाद इसको ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं कैसे टेस्ट इसका आता है। तो जी गाइस, अभी ब्रेकफास्ट हो गया कम्प्लीट, तो अभी हम काम करेंगे, अभी पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 29th से हमारे एग्जाम स्टार्ट है। 29th को स्टार्ट हो रहे हैं और 3 को कंप्लीट हो रहे हैं, जिसमें से फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन, कम्युनिटी मेडिसिन, इन सब चीज़ों के एग्जाम है हमारे पास थ्योरी का। और इस बार इन्होंने काम किया है, जो प्रैक्टिकल है वो 6th से स्टार्ट हो रहे हैं, और जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो खाली मेन सब्जेक्ट्स के होते हैं। लेकिन इस बार इन्होंने जो है, जो हमारे पास जो एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं, कम्युनिटी मेडिसिन और फॉरेंसिक मेडिसिन, उनके भी प्रैक्टिकल एग्जाम रखे हैं। तो उनके लिए भी अच्छी तरीके से पढ़ना होगा, क्योंकि हमने उनको कभी देखा ही नहीं है, हमने मेन सब्जेक्ट्स को नहीं देखा, तो उनको थोड़ी देखेंगे। तो अभी मैं सबसे पहले काम कर लेता हूँ, मैं जाता हूँ दोस्तों के पास, देखते हैं वो सब क्या करेंगे, तो उसी अकॉर्डिंग हम भी वही करेंगे। मैंने ओएस को जस्ट कॉल करी है, तो उसने बोला कि हम पैथोलॉजी पढ़ते हैं, तो पैथोलॉजी मैं ले जाता हूँ। काफ़ी ज़्यादा मुझे उससे डर लगता है पैथोलॉजी से, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बड़ी बुक है। ये रही जी पैथोलॉजी। यहाँ पे पैथोलॉजी के 2 वॉल्यूम्स हैं हमारे पास, लेकिन हम ये वाला वॉल्यूम है पढ़ना है। गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं ओएस भाई बैठ चुका है पढ़ने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं मोटिवेशन लेवल क्या है बंदे की, इतनी सुबह सुबह ये बैठ चुका है पढ़ने के लिए। ओएस भाई मुझे लगता है सुबह 6 बजे से बैठ चुका है पढ़ने के लिए, और मैं अभी आ चुका हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ अब। जिन लोगों को लगता है कि एमबीबीएस स्टूडेंट बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, वो ये देख लिए भाई, 10 मिनट के लिए बैठ गया था पढ़ने के लिए और अब देख सकते हैं आधे घंटे से मोबाइल चला रहा है। क्या करेंगे हम लोग, कहाँ से पास हो जाएंगे, आप बोलिए। ये जोइज़। तो जी गाइज, अभी नियरली 11:30 बज चुके हैं और यहाँ पर मैंने एक लेक्चर कम्प्लीट किया है पैथोलॉजी का, और इस एक लेक्चर के अंदर मैंने खाली यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3 पेजेस यहाँ पे बस यहाँ पे नोट्स बनाए हैं। अब इनको पढ़ना भी है, तो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी है पैथोलॉजी है। अगर आपको लग रहा है काफ़ी इजी है, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अभी हम देखते हैं कैसा कैसी है रहता है। और यहाँ पे ओएस भाई पता नहीं क्या कर रहा है, मूवी देख रहा है कि कुछ और कर रहा है, देखते हैं कैसे क्या रहता है। तो जी गाइस, अभी नियरली 1 बज चुके हैं और अभी तक मैं खाली पैथोलॉजी पढ़ रहा था। पैथोलॉजी के अंदर मैंने एक लेक्चर कंप्लीट किया है, पहले वो लेक्चर लगाया फिर उसका रिवीजन किया, और अभी भी काफ़ी ज़्यादा लेक्चर पेंडिंग ही है। तो देखते हैं, अभी हमारे पास कुछ टाइम है, तो अगर कम्प्लीट होती है सारी चीज़ें तो अच्छी तरीके से पढ़ के जाएंगे, अगर नहीं होती है तो कोई भी टेंशन नहीं है, क्योंकि थोड़ी बहुत चैप्टर्स पढ़े हैं और थोड़ी बहुत पढ़नी है, वो ईजिली हो जाएंगे। तो अभी मैं चलता हूँ जल्दी से, खाना खा लेता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। One hour later. हमारे एग्जाम में बस 8-9 दिन बचे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लोग क्या कर रहे हैं। ये मुझसे भी यहाँ पे पबजी खेल रहा है, ओएस वहाँ पे उस्मान देख रहा है और मैं मोबाइल चला रहा हूँ। मुझसे सब के संबंध में ये क्या लाभ एग्जाम यवान गसन एग्जाम शी यवान गसन पजल फील गसन जे जंग गसन हो रुकना अच्छा शोइस थी
एग्जाम रूल्स पर तो पूरा रेडी थी क्या बासन एग्जाम क्यों गेश एग्जाम का असल इंशाल्लाह सो पास वेट वेट मैं जाहिद से तो तबरुकतार तोड़ाई जाहिद से टेंशन सी सो जो बॉट्स आते हैं उनको ये अच्छी तरीके से मारता है, लेकिन जब रियल बंदा आता है और कोई टास भैया मुझे माफ कर दो वैसे सही घर के पार्टी सुन की वर्ड्स के जगह कर तो अभी हम जाएंगे 2:30 बजे हमारी क्लास है तो हम उधर ही जाएंगे अभी थोड़ा सा टाइम है आधा घंटा अभी हम रूम में ही बैठे हैं तो फिर हम चलते हैं उधर ही तो जी गाइस अभी हो चुका हूँ मैं रेडी क्योंकि हमें जाना है कॉलेज वहाँ पे हमारी क्लास है पता नहीं पैथोलॉजी की फार्माकोलॉजी किसी एक सब्जेक्ट की क्लास है तो अभी हम जल्दी से चलते हैं अभी मैं रेडी हो चुका हूँ बैग लेते हैं और चलते हैं और पुनीत भाई बढ़िया बढ़िया और सुना कैसा था घर भी मजा कौन सी क्लास है अभी अभी माइक्रोबायोलॉजी ओके ठीक और हमारे साथ यहाँ पे है आकिब भाई और यहाँ पे है शहद शहद भाई हाज कीजिए हाय कैसा लग रहा है आपको बहुत अच्छा आकिब भाई कैसा लग रहा है आपको कैसा लगेगा कॉलेज जाके पोस्टिंग गए थे आज हाँ गया अच्छा ठीक कहाँ पे थी आपकी पोस्टिंग आज हमारी थी सर्जरी में गया ही नहीं तो सर्जरी में कहाँ में होती ये बहुत झूठ बोलता है और ना मैं गया था मैं रूम पे ही था और क्या देखने चाहिए जरूरी ये इसको भेजा है पढ़ने के लिए ये पता नहीं कहाँ पे क्या कर रहा था मूवीज देख रहा था रूम में तो जी गई अभी हमारी माइक्रोबायोलॉजी की क्लास है लेकिन यहाँ पे आया ही नहीं कोई यहाँ पे हम ही लोग हैं बस ओएस मुसैब नवीद और मैं बाकी सारा क्लास यहाँ पे खाली ही खाली है आप देख सकते हैं हमारे लेक्चर हॉल है यहाँ पे हम बैठते हैं यहाँ पे हमारी क्लासेस होती है और ये रहा जी यहाँ पे ये स्क्रीन जहाँ पे जो पीपीटीज होती है वो प्रेजेंट की जाती है और वहाँ पे टीचर बैठता है जहाँ पे ओएस और मुस्तफा बैठे हैं तो जी गाइस अभी हमारी क्लास हो गई है कंप्लीट माइक्रोबायोलॉजी क्लास हम देख के आ चुके हैं अभी हमारे पास थोड़ा बहुत टाइम है हम क्या करेंगे पढ़ा तो हमने बहुत कुछ माइक्रोबायोलॉजी में लेकिन पता ही नहीं क्या पढ़ाया था सर ने हमें याद ही नहीं सर ने क्या पढ़ाया था बिल्कुल बेकार मुझे लगता है माइक्रोबायोलॉजी जो है सब्जेक्ट बेकार ही है तो अभी हमारी प्रैक्टिकल है देखते हैं कहाँ पे हमारी कौन सी प्रैक्टिकल आज है मुझे पता ही नहीं कौन सी प्रैक्टिकल होगी आज हमारा है पैथोलॉजी का प्रैक्टिकल तो चलते हैं हम देखते हैं कौन सा प्रैक्टिकल है कैसा है यहाँ पे सामने से अबरार भाई आते हुए पता नहीं कहाँ पे घूम रहे थे और यहाँ पे हमारे उस केशव भाई भी आ चुके हैं केशव भाई आप घर जाके इतने सुंदर क्यों हो जाते हो इसका राज क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लोग इन स्टूल इनके ऊपर बैठे हैं टेबल्स के ऊपर लेकिन मुझे बैठने के लिए है ही नहीं यहाँ पे मेरे बैठने के लिए कुछ है ही नहीं यहाँ पे तो क्या कर सकते हैं मैं कॉली से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ पे और थोड़े बहुत ये स्टूल्स लाए जाए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कम है यहाँ पे अमित भाई के पास भी नहीं है अमित भाई बैठने के लिए है ही नहीं कुछ कॉली से क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि यहाँ पे थोड़ा बहुत और ये लाए कॉलेज बहुत गरीब है तो अब्रार भाई क्या दिखा आपको इसमें जोर से थोड़ा जोर से यहाँ पे हम सब देख रहे हैं मैंने भी देखा लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं दिया इसको मच्छर दिखे पिंक कलर के छोटे छोटे तो जी गाइस हमारा प्रैक्टिकल हो गया है कंप्लीट
अभी मुझे लग रही है काफ़ी ज़्यादा भूख, तो हम नीचे जाएंगे कुछ चाय वाय पी के आएंगे, फिर मैं आपसे मिलता हूँ जी। और हमारे साथ यहाँ पे है बिलाल भाई। बिलाल भाई हमें बोलेगा कि घर पे कैसा रहा, घर पे सब ठीक ठीक थे? जबरदस्त जबरदस्त किस मज़ लोग आए रहे हमारे यहाँ से कम से कहा साल ना इसके दोजित गए सात दोजित ना, मगर पाई नहीं लिजिम कमरे में ना, पता ही नहीं चला कभी 17 डेज गुजर गए। अभी इंशाल्लाह हम जो बड़ी ईद है तब जाएंगे घर, तब तक हम इधर ही है, एग्ज़ाम देंगे, फ्रेशर्स पार्टी मनाएंगे, घूमने जाएंगे और भी बहुत कुछ सारी चीज़ें करेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पे नीचे हमारी कॉलेज की और बिल्डिंग्स बन रही है, पता नहीं है, मुझे लगता है हमारी जितनी भी यहाँ पे साल है हम कंप्लीट करेंगे MBBS तब भी ये ऐसे ही चल रहा होगा। इनको हो गए 2 साल बनते हुए, अभी भी नहीं भर रही है। तो जी गाइस अभी हम आ चुके हैं नीचे से चाय वाय पी के, काफ़ी अच्छा लगा और मौसम भी थोड़ा सा आज बादल ही है, लगता है बारिश हो जाएगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रही जी हमारी मस्जिद शरीफ जो कॉलेज की यहाँ पे बन रही है। इसका जो नाम है बिलाल भाई, इसका नाम क्या रखा गया था? मस्जिद शिफा। तो यहाँ पे ये बन रही है, काफ़ी अच्छा काम है ये। अभी इसमें थोड़ा टाइम लगेगा बनने में, तो अभी इसको थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। अभी इसको 3 ही महीने हुए हैं काम स्टार्ट हुए हुए, अभी इसको 3-4 महीने और लगेंगे कंप्लीट बनने में। तो देखते हैं कब तक ये बनेगी, तब तक हमारे हॉस्टल में ही मस्जिद है जो कि आपने ऑलरेडी देखी होगी काफ़ी ज़्यादा व्लॉग्स में। और यहाँ पे ये रही जी हमारी कॉलेज की बसेस, अभी 1, 2 और 3 ही है। अभी ये बोल रहे थे कि और 2-3 बसेस आएंगी, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे अभी, तो और बसेस ज़रूर लगेंगे। तो अभी मैं जल्दी से चलता हूँ रूम में, तो वहीं पर मैं आपसे मिलता हूँ। फाइनली गाइज बैक टू द रूम। तो जी गाइस अभी मैं पहुंच चुका हूँ रूम के अंदर, काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है और काफ़ी ज़्यादा मैं थक गया, अभी नियरली 5 बज चुके हैं, तो जल्दी से मैं फ्रेश हो जाता हूँ क्योंकि फिर हमें पढ़ना भी है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें। तो जी गाइस अभी हम फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं, फार्माकोलॉजी के लिए मैंने ये नोट्स लाए थे GRG के नोट्स, तो इसी से हम पढ़ लेते हैं। तो फार्माकोलॉजी के अंदर जो हमारे सिलेबस है, एक तो जनरल फार्माकोलॉजी, CNS, ANS और CVS और उसके साथ साथ रीनल जो फार्माकोलॉजी है, ये सब चीज़ें हमें पढ़नी है एग्ज़ाम के अंदर, यही सिलेबस है। तो इनमें से कुछ चीज़ें मैंने पढ़ी है ऑलरेडी, तो कुछ चीज़ें पढ़नी है अभी हमें, तो जल्दी से मैं ये स्टार्ट कर लेता हूँ। Later that same evening. Oh guys, finally हमारे जाहिद भाई यहाँ पे आ चुके हैं। जाहिद भाई कैसा लग रहा है आपको फाइनली कॉलेज में आके? वटिया को वटिया को अजाब को ये ती खुदा यासर यासर नो जाहिद भाई, आपको मैं बहुत मिस कर रहा था अल्लाह का सब, आप मजा कुछ नहीं आया यहाँ पे। सोने को सोने को वचकल भाषण दपन तुम रा त्रमित खुदा पी ऐसा ब्रोटी ऐसा ब्रोटी हम लोग गई, हम 2-3 दिन पहले ही आए थे, ये आज आ रहे थे, सो मैं आकत से बीच जाता है सके जाओ ब्रोट गई। जाहिद भाई है ये बैठता और 10 दिन घर पे, लेकिन यहाँ से इसके पापा को बोला है कि हमें पहले ही जाना है, ये मार है खत्म। गाइस जाहिद भाई का बैग बहुत भारी है, पता नहीं इसमें क्या क्या इसने लाया है। महाराज हो गया तो पक तो खुदा आचार सुहान आइए होगी कंजी कैसे प्रणाम बारे कंजी भेज दी चढ़ हो अच्छी तरीके से काटे इसको, मुबारक मुबारक है। ये रही जी हमारी आशर भाई, तो ये की उसी पूरे दुकान ही नहीं गोड़े हॉस्टल से नेबर कहीं शजाइस तो नहीं शजाइस तो जी गाइस फाइनली हमने खाना वाना खा लिया है, काफ़ी अच्छा लगा खाना खा के। जाहिद भाई ने थोड़ा बहुत घर से गोश्त भी लाया था, वो भी हमने खाया, काफ़ी अच्छा लगा खाना खा के। तो अभी काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है, तो अभी मैं चलता हूँ सोने के लिए। अगर आपको आज के व्लॉग किसी भी रीजन से पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को मेरे साथ शेयर कीजिए।
मैं मिलता हूँ आपसे कल एक नई ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।